मुंबई कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस व्यापारी सेल की तरफ से कार्यकर्ता व सभी व्यापारियों के साथ बैठक किया गया। व्यापारी सेल की इस मीटिंग का आयोजन मुंबई कांग्रेस सेल के अध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी के नेतृत्व में अध्यक्ष भाई जगताप और चरण सिंह सपरा के साथ किया गया था, जिसमें सभी व्यापारियों ने होने वाली समस्याओं को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप के पास रखा गया है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार सभी दुकानदार व व्यापारियों के साथ होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाए। हमारी जो ये एक सेल है उसकी मीटिंग, पहली मीटिंग यहाँ हो रही है और उनके हमारे चेयरमैन जो है लक्ष्मण कोठारी जी, जो कि हमारे जिला के वरिष्ठ नेता भी है और जिला के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक ये सेल था। दो ढाई महीने पहले इसकी निर्मित हुई है और हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जैसे आम लोगों के साथ रहते हैं, वैसे भी ये छोटे व्यापारी है, उनकी लड़ाई इसके पहले भी हम लड़े हैं। इन व्यापारियों की ऑक्ट्राई की लड़ाई हो, LBT की लड़ाई हो, एक्साइज की लड़ाई हो, GST की लड़ाई हो, ये सारे लड़ाई हम लड़ चुके हैं। आपको ताज्जुब होगा, LBT के लड़ाई के लिए स्वयं राहुल गांधी आए थे यहाँ झवेरी बाज़ार में और हमने वो लड़ाई लड़ी और उसके ऊपर निर्णय लिए, क्योंकि हमारी सरकार उस वक्त केंद्र में थी और हमने निर्णय लिया। राज्य सरकार में हमारी सरकार थी, उनको ऊपर से आदेश दिए गए और व्यापारियों को, क्योंकि व्यापार चलेगा, फलेगा, फूलेगा तो बाकी लोग भी उसमें काम करने वाले, जो मैं कामगारों के नेतृत्व करता हूँ, मुझे पता है अगर एक दुकान में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ऐसे लाखों दुकानें हैं कि जिनके ज़रिए आज लोगों की रोजी रोटी चल रही है, तो उनको एक ज़रूरी मदद चाहिए। और उनका सबका कहना है, केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने पूरा बंटा पार कर दिया है। व्यापारी, छोटे व्यापारी, मंझले व्यापारी, ये सारे पूरी तरह अपना ये धंधा बर्बाद कर चुका है, धंधा बर्बाद हो चुका है और ख़ास करके कोरोना काल में जहाँ सब जगह बंद है, सब जगह लॉकडाउन है, उसमें उनकी हालत तो बहुत ही बुरी है और ऐसे हालात में उनको मदद की भी ज़रूरत है, जो कांग्रेस हमेशा करती आई है। और इस वक्त एक मेरा जो व्यापारियों का सेल बना है, मुझे खुशी है इस बात की कि उसका काम पिछले 1.5-2 महीने में काफ़ी अच्छे तरह आगे चल रहा है। आने वाले 15-20 दिनों में उसमें भी वृद्धि होगी और एक अच्छा हमारा सेल तैयार होगा और कांग्रेस हमेशा इनकी जो भी समस्या है उसके साथ खड़ी है। मुंबई कांग्रेस के विभिन्न सेल हैं, उसी में एक ट्रेड एंड कॉमर्स सेल जिसके अध्यक्ष हमारे लक्ष्मण कोठारी जी हैं, आज उसकी मीटिंग थी एक आड़ावा बैठक की। इस सेल ने पिछले 4-5 महीने में क्या क्या काम किया है और आगे का क्या रोड मैप रहेगा, तो वो रोड मैप इनको दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये जो हमारा सेल है वो व्यापारियों के बीच पहुँचे। व्यापार जो बुरी तरह से मोदी राज में इफ़ेक्ट हुआ है, चाहे वो नोटबंदी की वजह से, चाहे GST की वजह से, या जो बढ़ती महंगाई आप देख रहे हैं, गिरते हुए रोजगार आप देख रहे हैं, आज देश की अर्थव्यवस्था जो है वो वेंटिलेटर पर पहुंच गई है, तो इन समस्याओं को लेकर के व्यापारियों के बीच में जाना ज़रूरी है। व्यापारियों की क्या समस्या है वो हम तक पहुंचनी चाहिए, एक समन्वय का काम, एक कड़ी बनने का काम ये हमारा ट्रेड एंड कॉमर्शियल कर रहा है, उसकी एक आड़ावा बैठक आज हुई है। आदरणीय भाई जगताप जी और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय माननीय श्री चरण सिंह सपरा जी के नेतृत्व में आज हमारी ट्रेड और कॉमर्स सेल मुंबई कांग्रेस का उद्योग व व्यापार का जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में यहाँ पर बैठक हुई। और आप सबको मालूम है कि ये जो व्यापारियों की समस्या है और व्यापारी जो है, जो कि आज 35% मुंबई जो है, मुंबई आर्थिक राजधानी है और इसका रेवेन्यू पूरे देश के रेवेन्यू की इसमें 35% जो हिस्सा जाता है वो मुंबई का जाता है। यहाँ पर देश विदेश और अलग अलग जगह से, पूरे हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग इससे लोग यहाँ पर आकर व्यापार करते हैं और अपनी जीवन याचिका यहाँ पर गुजारते हैं। उसमें छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, एक मेहनत करता है और वो मेहनत करके आगे बढ़ता है।
तो इस व्यापार के संबंध में आज जो बातें हैं उसकी बारे में बैठक हुई और व्यापारी समाज कांग्रेस से ज़्यादा जुड़े और उसको हम पूरे 227 वार्ड में कांग्रेस का एक व्यापारियों का जनाधार बनाने का जो हमारी यहाँ पर बैठक हुई। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं बहुत सारी समस्याएं हैं और अनेक तरह की समस्याएं हमने कांग्रेस के राज में 2014 के पहले LBT की लड़ाई लड़ी, एक्साइज की लड़ाई लड़ी, बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो कांग्रेस ने लड़ी है और व्यापारियों ने जो पैसा कमाया है वो पहले कांग्रेस के राज में कमाया है। आज हर एक आदमी जो आप देखते हैं तो जो कुछ उसको मिला है उसकी फ्लैट की कीमत ले लो, उसकी दूसरी हर चीज़ की कीमत बढ़ी है और वो लोग को जो कमाने को मिला है तो वो कांग्रेस के राज में कमाया। जब से BJP सरकार आई है वो GST लेकर आ गई, नोटबंदी लेकर आ गई, आज हर आदमी, आज व्यापारी एक अपने आप में बहुत ही दुखी है। आज पूरे मुंबई के व्यापारी जो है या हर जगह के पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी GST और नोटबंदी और जो कानून लाए गए, इनकम टैक्स में जो कानून लाए गए, GST में जो कानून लाए गए, वो कानून इस तरह है कि आज मर्डर करके आदमी चला जाता है उसको नहीं पकड़ पाते, लेकिन व्यापारी को सजा देने का प्रावधान जो उसमें किया गया है उसके अगेंस्ट में ये सब जो कानून भारतीय जनता पार्टी ला रही है, ये कानून बहुत ही व्यापारियों के लिए खतरनाक है। और जो मेहनत करके 16 घंटा मेहनत करता है व्यापारी, सुबह जाता है दुकान पर और शाम को 10 बजे तक बैठता है, उस व्यापारी जो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और उसके टैक्स पर सब लोग ये करते हैं, उस व्यापारी को इस तरह का व्यवहार होना गलत है। उनको हर तरह का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, GST में मिलना चाहिए, दूसरे जगहों में मिलना चाहिए। और व्यापारी, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, आज लॉकडाउन 22 मार्च को पहले लॉकडाउन 2020 में लगा था, आज उसका जन्मदिन है। इस साल में लोगों ने लाखों रुपए खो दिए, लोग अपना भाड़ा नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे, तो इसके बारे में चिंतन होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बातें होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ में, व्यापारी के साथ में ये जताने के लिए हम लोग ने यहाँ पर मीटिंग की और आने वाले समय में व्यापारी कांग्रेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े यही सोचकर आज हमने बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, CN News।